सोच रही हूँ ये पहन लूँ, ठीक रहेगा ना? ये कुछ ज्यादा सिंपल हो जाएगा, समझ ये मैं खुली दाती अभी छू जिप जिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? चेन आपको ना भी हाय केफू ऐसा लगता है ना कि हाँ हमारे घर ऐसा हाथ ना आओ मैं हूँ ऐसी चलिया था Hey cuties, Assalamualaikum, it's me Yashmin. Welcome back to my vlog. कौन सा दिन है आज? आज 25 अक्टूबर. नहीं मेरे vlog का कौन सा दिन है? कल थर्ड था फिफ्थ डे ऑफ 365 व्लॉग वीडियो चैलेंज. सो इट्स फिफ्थ डे. पता है मैं अभी व्लॉग क्यों शुरू की हूँ? शायद थोड़ा सा लाइट्स का आप लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा होगा क्योंकि सामने से इतना बड़ा खिड़की है यार, ये थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो ना बात? इग्नोर दिस यार, जस्ट इग्नोर इट. एंड यहाँ अभी हम लोग एक कंटेंट रेडी कर रहे हैं जो कि आप लोग को इस व्लॉग में नहीं मिलेगा. अभी फिलहाल शादी वाला व्लॉग आप लोग को मिलने वाला है एक लाइन से, तो उसको मजे कीजिएगा. शादी वादी सब कुछ बीतने के बाद तब अभी जो ये हम लोग रेडी कर रहे हैं ना, तब इससे रिलेटेड आप लोगों को व्लॉग्स मिलेगा. कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो अभी बस आप लोग ये देखते जाओ कि हम लोग के दिमाग में चल क्या रहा है. सो हेयर इट इज, इट्स ट्राइंग रियल फूड कॉम्बिनेशन विथ ट्विस्ट. ओके, अब जैसे इसमें हाँ आप लोग कॉमेंट्स में ना अपना ओपिनियन दे सकती हूँ क्योंकि ये व्लॉग तो आप लोग को कल मिल जाएगा. और ये जो व्लॉग शूट करने जाऊंगी ना मैं, इसको मैं शूट करूंगी 4-5 दिन के बाद, तो आप लोग अपना भी ओपिनियन दे देना. जैसे कि एक हम लोगों ने सोचा है कुरकुरे जो होते हैं ना उसको धो के फिर करेला का जो जूस होता है ना, थोड़ा सा एक करेला का बस जूस निकाल के उस लगा के खाना है, कुरकुरे को उसमें पूरा मिक्स करके तब उसको खाना है चम्मच से. एटलीस्ट 3 स्पून हमें खाना है. और बता दूं मैं ना करेला का जूस एक बार पी ली थी ना, तो मुझे 4 दिन तक भूख नहीं लगा था, मैं खाना नहीं खा पाई. मतलब मेरी स्कूल की एक टीचर थी, वो बोल दी थी ना कि करेला का जूस पीने से दिमाग बहुत तेज होता है. और मैं इस चीज को बहुत सीरियस ले रही थी. मैं उस टाइम 6th क्लास में थी और मैंने करेला का जूस सच में बनाया, उसको उबाल के और उसके पानी में पूरा ऐसे क्रश करके उसको एक ग्लास पीने का कोशिश की थी, आधा ग्लास पी थी, फिर उल्टी शुरू और 4 दिन तक भूख भी नहीं लगा था. मैंने ऐसा करेला वाला जो ट्राई नहीं किया, लेकिन सुना है कि बादाम खाने से दिमाग लाइक तेज होता है, आईक्यू तेज. तो मैं बस हम लोग क्या कच्चा अंडा वाला एक सोचे थे ना. हाँ, कच्चा अंडा था और उसको कोका कोला स्प्राइट के साथ पीना था, तो पेट में बहुत गंदा वाला कुछ मचेगा. नहीं इसमें कुछ और भी था. नहीं कुरकुरे में अंडा मिला के नहीं खा पाएगा यार इंसान. पीने वाले ही कुछ रखते हैं, मतलब मेकअप पाउडर ऐड कर सकते हैं, पानी प्लस नहीं वाटर नहीं कुछ स्टिंग. पहले अंडा में मिक्स करो, अंडा में मिक्स करते हैं रेड चिली पाउडर बस, ठीक है? क्योंकि एक तो कच्चा अंडा रहेगा, उसमें हम लोग ज्यादा लिक्विड ही चीज नहीं मिक्स कर पाएंगे. ओके, आप भी अपना ओपिनियन देना. और ऐसा भी ऐसा हम लोगों ने 20 बनाना है ऐसा लिस्ट. 20 में से मैं सारे लिस्ट को ऐसे फोल्ड करके बोल में सूच ला के पापा से सेलेक्ट करवाऊंगी. पापा उसमें से पिक करेंगे 5 लिस्ट सिर्फ और सिर्फ. तो अगर मेरा अच्छा किस्मत रहा, हाँ 2-3 यार अच्छे कॉम्बिनेशन भी डाल देंगे. हाँ ठीक है, दो तीन अगर बेटर कॉम्बिनेशन रहेंगे तो अगर मेरा किस्मत अच्छा रहा तो पापा उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे. और अगर अच्छा आ गया तो यार थोड़ा तो किस्मत सही. एंड गाइस बिलीव मी दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड. हाँ ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं, ये कल करते हैं, कल चैलेंज है हमारे लिए भी. हाँ अगर चाहे तो हम लोग कल भी कर सकते हैं. हाँ कल करते हैं, आज तो हल्दी वगैरह हो जाए. कल कुछ ग्रीन चिल्ली हरा मिर्च के साथ दही वैसे डिप करके. सो गाइज अभी अगेन चल रहे हैं हमें एक फंक्शन में, फैमिली फंक्शन है, तो मैं सोची कि चलो ठीक है आप लोग साथ शेयर करते हैं. एक्चुअली मेरा फेस थोड़ा सूझा सूझा आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 1.5 से 2 घंटे रोई हूँ, क्योंकि मैं घर पे बहुत ज़्यादा डांट सुनी हूँ. डांट सुनने का रीज़न कुछ गलती मेरा था और इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के डांट दिया मेरे मम्मी पापा, और मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ, मेरे पूरे सर में दर्द हो रहा है. लास्टली मैनेज हुआ सब कुछ, तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ. तो मैंने ना ये वाले आउटफिट पिक करे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द नेक डिटेलिंग्स, ये मेरे को अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ, ठीक रहेगा ना? ये कुछ ज्यादा सिंपल हो जाएगा, सब एकदम मस्त रेडी हो गया पार्टी जैसा. हाँ ये देख रहे हो ऐसे ऐसे मेरा प्लान चेंज होता है, तो मैं क्या पहनूँ? लेट मी डिसाइड. दिखाइए क्या ऑप्शन है आपके पास. और ये है मेरा लुक, दिखाओ. ये लेकिन ये मैं मतलब इस
ये बस देखने का सिंपल है। हाँ ठीक है, तो फिर मेकअप अच्छा करिए, लाइक थोड़ा एकदम लाइट नहीं, थोड़ा लाइक बोल्ड मेकअप होना चाहिए है ना। हाँ लेकिन आज हो क्या रहा है, मजाक की बारी आ गई है तो तैयार है क्या भाई सब, कैसे मतलब कैसे हमारा आउटफिट चेंज होता है। तो नाउ लेट मी थिंक मैं क्या पहनूं। अब देखो मेरा आउटफिट गेस कर, मेरा आउटफिट देखो और फिर देखो उस हिसाब से कैसा ब्लिंग, जिस टाइप का ब्लिंग पहनना पहन। उस दिन वाला रेड पहन लेके आ जो वहां पहन के गए थे। हाँ हाँ क्योंकि वो तो गली वाले फंक्शन में कोई देखता नहीं है। वो सही है, वो सही है, तो उसी को पहन लेते हैं। या फिर उसके साथ एक और ग्रीन भी था, वो भी पहन सकते हैं। मतलब ये ना पहने ना, कुछ जम नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। देखिए अब हम लोग के घर में शादी है, तो अब घर में अच्छा हैवी पूरा मन लगा के तैयार नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। लुक एट दिस, हमने सबको फेंका और पहनी हूँ मैं ये वाला, यही वाला। फाइनली ये हो गया यार, मुझे मतलब स्लिम लग रही हूँ यार इस पे। आप बस मेकअप शेकअप करूंगी, थोड़ा सा धक्कर वक्कर वाला, जल्दी ही खेड़े भाई साहब है ना, यूट्यूबर है भाई साहब, थोड़े से जल्दी ही खेड़े तो बनते हैं ना। मतलब 2.5 लाख फैमिली मेंबर्स है, ऐसे चौड़ा होकर चलना तो बनता है ना यार। मतलब सच में यार 2.5 लाख मैटर करता है बहुत ज्यादा। इस पे मैं दुपट्टा ले रही हूँ ये वाला, ये दुपट्टा सच में, ये दुपट्टा लेने के बाद ना मतलब इस आउटफिट में और थोड़ा जान प्राण आ जाएगा। वैसे ये बहुत सिंपल है, अभी मैंने इसका प्राइस उज्मा को बताया ना तो उज्मा भी शॉक्ड हो गई। I know that आप भी शॉक होने वाले हो, बट मैं प्राइस नहीं बताऊंगी। महंगा तो था यार सच में, ये तो है लेकिन चीज है, पहनने पे लगता है कि हाँ चीज है। लविंग इट गाइस, गाइस गेस इट्स प्राइस। ठीक है, इसमें जो मेरे को दुपट्टा मिला था ना वो प्लेन दुपट्टा था, वो कहीं गुमशुदा हो चुका है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं ये वाला दुपट्टा लूंगी, इससे थोड़ा चटक वाला लुक आ जाएगा। बाकी फैब्रिक बहुत ही प्रिटी से है, बहुत सही है। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, बड़ा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैं बोलते रह जाऊंगी। सही तो लग रही है, सही तो लग रही है उसमें। चलिए चलिए चलिए, हाथ ना आओ मैं हूँ ऐसी चलिए ना 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 ना। मेरा लिपस्टिक यार मेकअप कितना फीका लगता है, वही बस लिपस्टिक लगा लो ना। एक चीज नोटिस किया है, एक आंख में आई मेकअप किया है ना और एक में नहीं किया। और वैसी कैम ऑन करने की उतावली पर, ओ माय गॉड यार आप लोग बहुत सटल सा मेकअप कर रही हूँ मैं, कुछ ओवर नहीं है। और फटाफट से मेकअप शेकअप करके मेरी मम्मी ऑलरेडी आज जा चुकी है वहाँ। यस, तो इसीलिए किसकी शादी है, मेरे मामू की शादी है। यस, और इनके मामू की शादी है और हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। देखो हमारे प्लॉट में ना जिसकी भी शादी होती है ना हमारे प्लॉट में, ऐसा लगता है ना कि हाँ हमारे घर में फैमिली एकदम, लाइक बस एक ही शादी तो पता नहीं चलता। बताइए नहीं नहीं बता नहीं लेकिन हम भी ठीक है। हाँ लेकिन ये बात सच है, हम नोटिस किया है बहुत से प्लॉट्स होते हैं जहाँ लाइक इतना फैमिली शिप नहीं होता, लेकिन यहाँ हम नोटिस किया है। सो गाइस हियर माय मेकअप इज डन एंड लुकिंग प्रीटी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का व्लॉग अभी तक मैं एडिट नहीं की हूँ, अभी तक मैंने पोस्ट नहीं करा है एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये आउटफिट मुझे फिट हो गया है, बहुत अच्छे से आ रहा है फिटिंग वगैरह सब कुछ। आई एम सो हैप्पी एंड सच बताऊँ मेकअप बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है। गोइंग टू वेयर दिस झुमका एंड या बस नेक में एक प्यारा सा चेन ऐड करेंगे एंड या आफ्टर दैट मैं डन हो जाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी, हाथों में कुछ कंगन वंगन डाल लेंगे, नहीं तो वैसे भी मैनेज है। सो मेरे को कॉमेंट्स में बताओ हाउ आई एम लुकिंग। गाइज ये जो फ्रॉक दिख रहा है ना ये मैं मम्मी के लिए ऑर्डर की थी, यहाँ से बीच से ना इसमें वो था कट था यहाँ तक, बट मम्मी बोली कि नहीं इसको स्टिच कर देना, बट यह बहुत ही प्रिटी है। कपड़े की क्वालिटी कैसी मम्मी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है इसका कपड़े क्वालिटी एंड इसके नेक्स्ट पे भी डिटेलिंग से पर्पल कलर का अच्छा लग रहा है। तो अभी मम्मी गई थी मिलाद में तो इसीलिए मैं इनको बोली थी कि आप व्हाइट व्हाइट ही पहन लीजिए, बहुत प्यारा लग रहा है। आई एम डन एंड बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, लग रही हूँ ना, क्या था मेरा डायलॉग, नहीं वो डायलॉग था ना कटाप, तो मैं वैसे हसीन तो मैं वैसे ही हूँ लेकिन कटाप और वो वाला आज लग रही हूँ। और पता है मैं बिना चप्पल के जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरा चप्पल गुम हो जाएगा, मतलब इधर उधर नहीं, अरे चोरी का नहीं बोल रही यार, मतलब इधर उधर हो जाता है ना, सो इधर उधर हो जाएगा और आप उसे ढूंढने में हाँ व्यस्त हो जाएंगे, इसीलिए व्यस्त नहीं हो जाएंगे आप लेजी है।
रस्म तो नीचे हो रहा है मगर हम लोग छत पे आगे बोल ना भाई। वाह 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 वाह, मेरी छत से तो कुछ दिखता है नहीं, नहीं। मेरे छत के जैसे इसके छत पे भी इधर दीवार गिर गया है बट हाँ इधर से सब खुला खुला से खोया खोया चांद खुला आसमान नीचे में फंक्शन हो रहा था। चांद ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके दिखेगा। खोया खोया चांद बोल ना भाई। मुझे इरफान भैया के पास जाना है। अरे तो इरफान भैया कहाँ है? उधर है, चलिए दिखाते हैं। उधर क्या कर रहे हो? इधर मेहंदी का पेड़ है यार, मगरिब का टाइम हो रहा है, बाल खोल के हम लोग आ रहे हैं ना, समझना। आय हाय हाय हाय, क्या मस्त मस्त हवाएं हैं। मार देगा वहां पे तो। हाय टिफू। अरे नहीं किया जाता है ऐसे, नहीं किया जाता है, नहीं मेरा ऐसी बाल्टी सो गाइज यहाँ पे कुछ रस्में वस्में हो रही थी जो कि देख करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सो आई थॉट कि इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं एंड मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा जो पहनी हूँ मेरी वो उज्मा की मम्मी। अच्छा ठीक है, तो पहले आदम की शादी कराएंगे हम, तो आदम के लिए भी हम लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। उससे पहले यहाँ हुआ है मेरा और उज्मा का रिकॉर्डिंग है। देखो खास की कैमरामैन को ऊपर बुला के बोला हम लोगों को, ये बोले कि हाँ यार हम लोग का ले लो, मतलब ये मेमोरी हो जाता है यार, इन सारे फोटोज को हम लोग निकलवा लेंगे और निकलवाने के बाद तब हाँ मजा भी आया था उस टाइम। मुझे हमेशा टाइम मिले एंड यहाँ मैं छत पे ही थी, पता है चांद बहुत ही मस्त लग रहा था, तो मैं सोची कि मैं अपना वीडियो ले लूँगी, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है जब इर्द गिर्द में बच्चे हो, तो अभी देखना उसमें यहाँ पे क्या होगा। ये पता है आतिका की और मैं बोल रही हूँ अरे बंदा हट जा यार, फिर मैं ना उसको बोली कि चल आ जा मैं तेरे को ये दुल्हन आज बना देती हूँ, पूरा बंदा पता है पूरा खुश हो गया। इतने पता है कॉल आ गया कि मैम आपका पार्सल लेके हम बाहर है, और अच्छा गेस करो इस पार्सल बॉक्स में क्या है, जल्दी बताओ। स्किन केयर? स्किन केयर नहीं है मतलब वैसे, अरे कल रात में तुमको दिखाए भी हैं। और
अच्छा लिप बाम। हाँ लिप बाम है और फेस वॉश है। और देखो आधे के साथ आते ही बोलो नहीं मेरे को एकदम लगाई भी कीजिए लगाई भी कीजिए, और उसके बाद फिर उसको लगाए। और जब नया पार्सल आता है ना ऐसे जो प्रीपेड होता है उसको खोलने में पता है मजा बहुत ज्यादा आता है। फ्री का होता है। हाँ, सारे फ्री का नहीं है यार, 4 साल का मेहनत है यार। हाँ, ये भी बात है। और उसके बाद फिर किचन में जाके देख रो सज धज के चाय बना रही हूँ मैं पापा के लिए, कोई होगी कि संस्कारी बच्ची। अच्छा बिच्छू को ही कुछ और बोलते हैं राइट, बिच्छू को कुछ ये बोल रही है मुंह से बोल रही है देख ले देख ले ना स्टार नहीं हो मुंह से ना बोल जाने ना बात इधर देखो इधर देखो बताओ लेकिन लिपसिंग नहीं करो ये चीटिंग है तो बिच्छू अरे एकदम गूंगा ही मत हो जाओ ना ना कोई उससे मिलता जुलता बोल टाइमिंग देखते जाते उससे पहले कोई बॉडी नहीं है स्टार्ट के 2 मिनट स्टार्टिंग वर्ड अच्छा हिंदी वर्ड है ठीक है हां हिंदी ये एक पहले उंगली निकाले ये क्या ना ना तो बहुत बहुत हट ना यार एट क्या बनाता है बी बस यहीं तक है यहां ये क्या बनाता है बी वाह हिंदी वर्ड हिंदी अरे हम हिंदी आप बोलो इंग्लिश में बता देना अरे तो इंग्लिश में है इंग्लिश लेटर बोलो ना बी तातिया बिच्छू उर्दू में एकदम थोड़ा सा उर्दू स्कूटी ए चुप हो जाना मार देंगे अरे इमाम का आप लोग बोलते हैं शैतान हम लोग मुसलमान को अच्छे रात पे करते का गुमराह तोरा मेरा कपड़ा छोड़ दे ठीक है आप बोलते ना चार लेटर्स है चार वर्ड्स है बंद कर सकते बैक पीट जिप जिप को हिंदी में क्या बोलते हैं चेन चैन चैन खुला खुला चैन खुला चैन खुला बाथरूम चैन खुला बाथरूम बंद खुल गया क्या आप और क्या बोलते हैं आई आई नहीं हिंदी में नेत्र नयन दृष्टि आप आगे तक बोल दी है उसके आगे बोल रही हूं इतना ज्यादा समझ आ गया हां नैन खुली चैन खुली की मैं खुली चैन खुली की मैं खुली शुभम सानू भैया का नाम है सत्यम शिवम सुंदराम अरे क्रिस क्रिस गलत चीज और पूछ रहा और भी बहुत सारा है बस हो गया अब नहीं बोलना दो बार बोल चुका है अगर तीसरी बार बोले तो काट देंगे अरे ऋतिक रोशन का कोई राजा वाला रोल है ठीक है बिल्कुल सही जा रहे अरे ना ना रुकने सलीम 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 के अब्बा का नाम अरे दीवार में सबसे लास्ट वर्ड है तीन वर्ड का है समझाइए करते ना पानी में खो शेर बोले हम मूवी देखेंगे सो गाइज इट वॉज इंजॉयबल एक्चुअली हमने गेम बहुत ही मस्ती तरीके से खेले है एंड सीरियसली ये महफिल जम गया हम लोग 1.5 घंटे ऑलमोस्ट इस गेम को खेले है
इतना ज्यादा मजा आया है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना अलग अलग चीज शादियों में, तो और भी बहुत ही बहुत लाइक बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब मैं तो बहुत ही इजिली गेस कर ली थी जितनी बार मिला है, मतलब एक दो बार थोड़ा सा इधर उधर। बेफिक्र जो मूवी है उसको मैं देखी नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि नशे से चढ़ गई ओए ये उसी का गाना है। तो बेफिक्रे को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में मुझे मेरे को बहुत ज्यादा फिक्र हो गई थी, तो मैं मतलब बहुत खतरनाक तरीके से इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करी थी। बट या मैं एक बार भी नहीं हारी, मतलब हम लोग एक बार भी नहीं हारे दोनों तरफ से। हाँ एक एक बार हारे हैं हम लोग भी एक बार हारे, एक बार बॉयज़ लोग का टीम भी हारा। बॉयज़ में भी चार थे, हम लोग में भी गर्ल्स में भी चार थे। जो बॉयज़ में चार थे, दो तो मेरा भाई ही था और दो मेरे भाई का दोस्त था, जो चारों के चारों ही मुझसे छोटा था। लेकिन यार इन लोगों का क्या ही बोलूँ मैं, मतलब छोटे भाइयों के साथ गेम खेलने का ना एक अलग ही मजा है। और गेसिंग वाला जो हो रहा था यार, ये लोग मतलब हम चलो गर्ल्स के पास हम लोग के पास थोड़ा सा दिमाग होता है, लेकिन बॉयज़ के पास मतलब उनके पास भी दिमाग होता है, लेकिन वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कैसे किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए। सो यार इट वॉज़ वेरी इन्जॉयबल, हमने बहुत मस्ती करे। अभी इस तरीके से पूरी शादी बाकी है, तो हम लोग पूरी शादी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। आज का वीडियो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं करा है, नाउ इट्स 9 PM। अभी रोटी वगैरह बना करके देन आई विल पोस्ट माई टुडेज वीडियो, बिकॉज एक दिन भी मेरे को गैपिंग नहीं चाहिए अपने वीडियो में। एंड या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, कुछ अलग था, हमने गेम खेला, हमने मस्ती करे। सो आई होप आप लोग को आज के मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी हमारी आपको मुलाकात। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।